नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एक फ्रूट की जिसका नाम है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है, यानी कि इसमें इतने सारे गुण हैं कि आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। सबसे पहले ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स है जिसे मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले ये कैलोरीज़ में बहुत कम है, यानी कि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होते हैं। कार्ब्स भी हैं, फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन B9 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, मैंगनीज, कॉपर और मैग्नीशियम है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे विटामिंस एंड मिनरल्स है इसमें, जो कि बहुत सारे फंक्शंस के लिए लाभदायक है, जैसे कि आपके बॉडीली फंक्शंस, DNA प्रोडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और घाव का ठीक होना, आपके इम्यूनिटी, नर्व सिग्नलिंग, इन सब के लिए ये सारे विटामिंस एंड मिनरल्स की हमें ज़रूरत है जो कि इस फ्रूट में पाया जाता है। तो ये था इसका पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि ये रिच इन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है ज़ैंथोन, जो कि बहुत ही रिच होता है। कैंसर जैसे बीमारियों को भी ये कम करने में मदद करता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, एंटी डायबिटिक है। ये सब जो है इस ज़ैंथोन की वजह से है। और इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि इसमें जो फाइबर है, जो कि मैंने आप सबके साथ पहले ही बताया कि ज़ैंथोन, इसके वजह से कैंसर जैसे बीमारियों को ये काफ़ी हद तक कम कर लेता है। इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये एंटी कैंसर इफ़ेक्ट करता है, यानी कि जैसे मैंने बताया ज़ैंथोन ये एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट करता है हमारे बॉडी में। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये ज़ैंथोन जो है कैंसर सेल ग्रोथ को ये काफ़ी हद तक रोक लेता है। कहाँ पे? जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, इस तरीके के जो कैंसर्स होते हैं वहाँ की जो सेल की ग्रोथ है, ये ज़ैंथोन जो है काफ़ी हद तक उस सेल ग्रोथ को ये रोकने में मदद करता है। तो इसीलिए इसे एंटी कैंसर या एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे हम बोल सकते हैं। ये जो फ्रूट है काफ़ी हद तक वेट लॉस के लिए भी ये हमारा मदद करता है। तो जो लोग वेट लॉस के लिए फ्रूट्स खाते हैं वो ज़रूर खाएं मैंगोस्टीन को। इसका छठा बेनिफिट ये है कि ये ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर है, इतने सारे विटामिन्स एंड मिनरल है, ये इन सब चीज़ों को रोकने में मदद करता है। ज़ैंथोन एक मेन प्रॉपर्टी है जो कि ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स तो इस फ्रूट को बेझिझक खा सकते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये है कि ये हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने बताया इसमें फाइबर है, जो कि एक हेल्दी गट बैक्टीरिया मेंटेन करता है। विटामिन सी है, जो कि हमारे इम्यून सेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन सी का होना, ताकि वो अपना काम जो है बढ़िया से कर सकें। ये हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए भी आपकी मदद करता है। ये है इसका आठवां प्रॉपर्टी। और कुछ बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये हार्ट हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है, और डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ये बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने बताया इसमें फाइबर है, जो कि हेल्दी गट बैक्टीरिया मेंटेन करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये मैंगोस्टीन जो है दिखने में ऐसा दिखता है, तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको काट के दिखाया, अंदर का जो ये वाइट पोर्शन है इसी को हमें खाना है। तो ये जो वाइट पोर्शन है इसे मैं एक एक करके निकाल लूँगी। इसके अंदर बीज है, तो आपको
जस्ट इसे मुंह के अंदर डालना है, वाइट वाले पोर्शन को आपको खा लेना है और जो बीज जो निकलता है उसे आपको निकाल लेना है। बीज आप नहीं खाएंगे, इसका जो वाइट वाला जो फ्लैशी पार्ट है, जैसे कि लीची जो होता है, लीची का हम वाइट पोर्शन खाते हैं और हम बीज को हम निकाल लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे है। टेस्ट में बिल्कुल अलग है, मीठा भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस फ्रूट का, जैसे कि मैंने बताया, ये वाइट वाला पोर्शन खाना है, इसके अंदर बीज है, उसे हमें नहीं खाना है। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के दीजिएगा, बीज को निकाल के दीजिएगा। काफ़ी स्वीट खट्टा मीठा फ्रूट है ये और बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।